नमस्कार, मैं वर्तिका राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे 69th बीपीएससी के नोटिफिकेशन के, तो अब जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि आपके लिए कितना पद है और आप किन पद पर फॉर्म भर सकते हैं, आपको फॉर्म भरने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तमाम जानकारी हम आपको देंगे इस खबर के जरिए। लेकिन आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहें। एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है। यह पहली परीक्षा होगी जिसमें समान प्रकृति के कई परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा एक साथ ली जाएगी, जिनमें 69th संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी और पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी शामिल है। एग्जाम कैलेंडर के अनुसार 30 सितंबर को इस परीक्षा के आयोजित होने की संभावना है। 15 नवंबर को पीटी का रिजल्ट निकलेगा और 9 से 16 दिसंबर तक इसकी मुख्य परीक्षा होने की संभावना है। वहीं आगे बताते चले कि विज्ञापन के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। कुल 346 रिक्तियों पर इससे नियुक्ति होगी। प्रारंभिक परीक्षा से पहले प्राप्त अधियाचना के शामिल होने से रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदकों की संख्या एक सीमा से अधिक होने पर दो या अधिक पालियों में भी परीक्षा ली जा सकती है। आगे बताते चले कि आवेदक को हर एक परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क और बायोमेट्रिक शुल्क चुकाना होगा। परीक्षा शुल्क बिहार राज्य के SC ST महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 रुपये है, जबकि सामान्य और अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये होंगे। वहीं बायोमेट्रिक शुल्क के रूप में 200 रुपये देने होंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी आवेदन में अपने पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित करेंगे, उनको बायोमेट्रिक शुल्क नहीं देना होगा। अगर उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा सेवावार 20 से 22 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष है। वहीं BC और EBC के लिए 40 और SC और ST के लिए 42 वर्ष होगी। सरकारी सेवकों को सेवा में आने के बाद इन परीक्षाओं में बैठने के अधिकतम 5 अवसर ही मिलेंगे। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में स्नातक होना चाहिए और वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष की बात की जाए तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी में से एक स्नातक होना चाहिए। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की बात करें तो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम और समाज कल्याण में स्नातक डिग्री 50% अंक के साथ पास होना चाहिए। अगर पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जाए तो सामान्य हिंदी में 100 अंक है जो कि आपको क्वालिफाइंग करनी पड़ेगी, और सामान्य अध्ययन में 300 अंक का है, और सामान्य अध्ययन 2 में 300 अंक का है, और निबंध के लिए 300 ऐच्छिक है। विषय 100 अंक का होगा और 100 प्रश्न वस्तु निष्ठ होंगे। CDPO के लिए आप बता दें आपको कि सामान्य हिंदी 100 अंक है, क्वालिफाइंग होनी चाहिए, और सामान्य अध्ययन 1 में 300 अंक है, सामान्य अध्ययन 2 में 300 अंक है, ऐच्छिक विषय के लिए 300 अंक होना चाहिए। गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और श्रम और समाज कल्याण में से एक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। सूची का कुल अंक है 69वीं संयुक्त परीक्षा में 1020 अंक है और CDPO परीक्षा के लिए 1020 है। वहीं वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी के लिए 1020 है और पुलिस उपाध्यक्ष तकनीकी के लिए 1320 अंक है।
सी के पी टी का इंतज़ार कर रहे थे, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, अब उनका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और 15 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं। तो 15 जुलाई वो डेट है जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को वो आवेदन कर सकते हैं। और तमाम डिटेल हमने आपको बताया अपनी खबरों के ज़रिए कि इसकी पी टी की परीक्षा से लेकर मेन्स तक की परीक्षा और आपको क्या कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, आप किन आपका सिलेबस हो सकता है, आप किस प्रकार से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही, लेकिन और भी वीडियो और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ फॉर नेशन, नमस्कार।